everyone, I'm Akanksha, welcoming you all to my channel Literature Library. And in this video, we are going to discuss what is summary. So summary upre tomaro bahut doubt thila, to aaji mu summary ko pura details re discussion karibi. Kemti summary ko lekha jaye, summary likhiwa pai kon rules follow kara jaye. So ei video ti ko ko mane dekhi paribe. Specially this is for 10th class and plus 2 first year and second year students, because class 10th re au plus 2 re definitely gote summary asibo. 10th रे आसीबो 5 मार्क्स रो एंड प्लस 2 रे आसीबो 8 मार्क्स रो आउ जदी क्लास 8 9 पिला ए वीडियो टी को देखु जंदी तले डेफिनेटली लेखंतु बिकॉज़ आगु को तमन को हेल्प होबो आउ समरी केमति बना जाय त माने ए वीडियो रो आज सिखि परिबो. सो एबे देखिबा आज ए वीडियो रे हमें कोन कोन पढिबा. सो व्हाट इज अ समरी, प्रथमे हमें जानिबा समरी कोन, स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग समरी, समरी लेखिबार कोन स्ट्रक्चर अछि, जेंति एप्लीकेशन रो हमें टू द हेडमास्टर लिखितौ, ता तले सब्जेक्ट लिखिताउ, देन तापर रेस्पेक्टेड टीचर्स एंती लिखु, देन तारो गोटे पैराग्राफ करू, सेकंड पैराग्राफ करू, देन योर्स ओबिडिएंटली और योर्स फेथफुली एंती सब ए स्ट्रक्चर रे लिखा जाए और ऊपर डेट और टाइम मध्य मेंशन करा जाए. बट समरी रो स्ट्रक्चर कोनो आज हमें ए वीडियो रे जानिबा हाउ टू प्रिपेयर ए हेडिंग. समरी पई हेडिंग किमिति प्रिपेयर करा जाए ताहा हमें सिखिबा आज, बा जहा को तुम्हें टाइटल मध्य बुझी परिबो. बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स रूल, समरी रो बॉडी स्ट्रक्चर केमिति लिखा हो, व्हिच इज the most vital part of a summary. summary likhiya pai summary bhitra me kon kon likhiba bahut pilang ko doubt thai, so taha me sikhiba. and its rule, a body structure likhiya pai kon rule tara thai taha modhe me janiba. then we'll discuss a sample question. summary upre gote sample question achi, taku me discussion kariba. mu sei paragraph ta ko bujhegi, tar answer modhe taman ko kahi debi. last re tom pai gote secret trick achi, kemti tome gote catchy title tomo summary pai identify kari paribo sei given question nu hi. तो एबे हमें प्रथमे स्टार्ट करिबा व्हाट इज अ समरी. सो समरी रो डेफिनेशन दिया आइची, अ समरी इज अ शॉर्टेन्ड वर्जन और अ जिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पैसेज. समरी कहा को कहा जाय शॉर्टेन्ड वर्जन को. सो गीत रो वर्जन अछि तो माने जाइथिबो मेल वर्जन फीमेल वर्जन. सो मेल वर्जन रे गुटे पुरुष लोक गीत गाए थाए बा गुटे पुओ पिला गीत गाए थाए, वेयर एज फीमेल वर्जन रे गुटे झियो पिला बा जने महिला गीत गाई थांती. सो गोटे समरी कौन, इट इज अ शॉर्ट एंड वर्जन. शॉर्ट एंड माने गोटे छोटो वर्जन कहार और ए जिस्ट ऑफ ए लॉन्ग पैसेज, गोटे लंबा पैसेज बा गोटे बहुत बड़ पैसेज रो जदि तार छोटो वर्जन टा हमें लिखिबा ताको कहबो समरी. जेंति कि मेल आउ फीमेल वर्जन जेते गोटे गीतर बना जाए गीतर लिरिक्स सेम रही थाए, खाली तार टोन चेंज हो जाए. माने गोटे पुओ पिला जदि गाइला मेल वर्जन, गोटे झियो पिला जदि गाइला फीमेल वर्जन. सेई भलिया अमर जो लॉन्ग पैसेज थिबो तार कथा सेम रहिबो, बट सेतिके को आमे कॉम्पैक्ट करके लिखिबा गुटे शॉर्ट पैराग्राफ भितरे. सो ताकु ही जिस्ट कहा जाए, एको ओडिया रे आमे सारो कथा बा सारांश मध्ये कहिथाउ, ताही होची समरी. दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, तुम जदि ठीक से आकु बुझिबो आराम से लिखि पारिबो और एटा मार्क फेचिंग पई बहुत सुविधा हेतै. इट प्रेजेंट्स लार्ज चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस. सो इटा गुटे बडो इन्फॉर्मेशन को, बहुत बडो इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट और क्लियर सेंटेंस रे हमको प्रोवाइड करता है. माने गोटे छोटो पैराग्राफ को पढ़ के ही हमें जानी परिबा जे पूरा बड़ो पैसेज रे कौन लिखा ही ची. सो चंक्स रो माने होची पीसेस बा खंड, जेंति की लेटर टू गॉड 10th क्लास रो गोटे स्टोरी अछि समस्त पढ़ितिबो. सो से लेटर टू गॉड रो स्टोरी डा तुम देखतिबो 3 टू 4 पेज अछि, बट तार समरी जदि मु लेखिया पई जेबी विद इन 50 वर्ड्स मु लकु लेखि दे परिबी. सी 50 वर्ड्स रो समरी को पढ़ी की तुम पूरा एंटायर स्टोरी रे कौन अछि जानी परिबो. सो एटा होची समरी रो काम. समरी कौन करे, गोटे बड़ पैसेज को छोटो पैसेज रे कन्वर्ट करे, जहाद्वारा कि आम से बड़ पैसेज रो होल आइडिया ए छोटो पैसेज को पढ़ी ही पाई परिबा. आई होप इट क्लियर. ओके एबे हमें देखिबा हेडिंग केमती प्रिपेयर करा जाए. सो सजेस्ट ए हेडिंग बिफोर प्रिपेयरिंग नोट्स. इफ यू आर कंफर्टेबल, जदि तुम बहुत प्रैक्टिस करिछो तले समरी टी प्रिपेयर करिबा आगरु गोटे हेडिंग दबो कोठी ठीक सेंटर रे लिखि परिबो. आई वुड सजेस्ट कि तुमको जदि डिफिकल्टी आसुची बा हेडिंग प्रिपेयर करिवारे तुमको प्रॉब्लम होची, यू कैन कीप द हेडिंग स्पेस ब्लैंक और जिते बेले तुमने समरी तुम लिखी सारिबो तापर तुम हेडिंग देई परिबो. बिकज बहुत फेमस मूवी तुमने देखी थिबो, जिते बेले मूवी पूरा कंप्लीट हो जाए सेते बेले डायरेक्टर को गोटे आईडिया मिल जाए जे को विषय अमर मूवीटा पूरा हैला, ता उपरे सेते बेले टाइटल टी बा मूवी रो नाटी डिसाइड करिबा बहुत इजी हो जाए. सो सेही बढ़िया जिते बेले तुम्हें तुम पैराग्राफ पढ़ी की समरी टी प्रिपेयर कर सारिबो, एट द एंड ऑफ योर समरी डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर हेडिंग. तापर तुम्हारो टाइटल तुम माने गुटे दे परिबो आ तुम्हारो टाइटल टी जते आई कैची हो तुम समरी टी देखिया पई एग्जामिनर को मध्य सेते भलो लागिबो. बिकॉज़ फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग, द हेडिंग मस्ट बी शॉर्ट एंड सजेस्टिव.
हेडिंग को बेसी बड़ लाइन करके लिखिबो नहीं जदे शॉर्ट रहि परिबा में लिखिबा सो हेडिंग मस्ट बी शॉर्ट एंड सजेस्टिव सजेस्टिव रो अर्थ कोनो जेंती तुम हेडिंग ता पढ़ी ही जने जानी परिबे जे समरी भितरे को विषय रे दिया हिची इट शुड आइदर बी इन कैपिटल लेटर्स और इन बोल्ड लेटर्स एंड अंडरलाइन इट सिंपली तुमने कोन लिखि परिबो जदी चाहू छो जदी नेचर ऊपर लिखु छो जदी तुम टाइटल ता तुम नेचर बोले डिसाइड करलो सो ए भले लिखि परिबो और तो मैंने सिंपली ए भला लिखिकी ताको अंडरलाइन करि परिबो एंड डू नॉट फॉरगेट टू अंडरलाइन इट बट ता संगे किछि पंक्चुएशन मार्क दबो नाही सिंपली टाइटल टी लिखिबो आ ता तळे अंडरलाइन करिबो ओके एबे देखिबा बॉडी स्ट्रक्चर केमती बनेबो सो हेडिंग मो भाबु जे बुझि गलो गोडे शॉर्ट आ सजेस्टिव हेडिंग दबो बेसी लॉन्ग दबनी आ हेडिंग रे सबले अंडरलाइन दबो एबे देखिबा बॉडी स्ट्रक्चर रीड द पैसेज केयरफुली थ्राइस थ्राइस माने तीनि थोर तीन थर कौन पढ़ा आम थे हम स्कैनिंग देन हूँ प्रोफाउंड रीडिंग देन स्किमिंग स्कैनिंग कौन गेट द ओवरऑल आईडिया ऑफ द पैसेज एंड नो व्हाट द पैसेज इज अबाउट सो थे आम पैसेज टी को ओवरऑली पढ़ी जावा टू गेट द आईडिया जानवापी पैसेज टी क्या विषय देती सपोज गोटे पैसेज बुक उपरि तो आम पैसेज टी थे पढ़ी सारे ही जाणी जावा ये पैसेज टी बुक दि जाए रीड इट केयरफुली हाइलाइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आउ तुम जदि प्रैक्टिस पाई करूछो तमे इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ी को हाइलाइट करि परिबो और पेंसिल ले अंडरलाइन मध्ये करि परिबो स्किम इट वन्स अगेन टू रीअश्योर यू हैव मार्क्ड द नेसेसरी पॉइंट्स चेक वेदर यू हैव इंक्लूडेड एनी अनइंपोर्टेंट पॉइंट्स सो एटा होची सेकंड जो प्रोफाउंड रीडिंग डीपली पढिला बळे तमे इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ी को अंडरलाइन करि करि जिवो बा हाइलाइट करि परिबो एंड लास्ट होची स्किमिंग स्किमिंग रो माने कोन स्किम इट वन्स अगेन टू रीअश्योर यू हैव मार्क्ड द नेसेसरी पॉइंट जितेबले हमें न्यूजपेपर पढ़ी थाउ तार सेटा होचे स्किमिंग रो बेस्ट एग्जांपल हमें जस्ट ऊपर ऊपर हेडलाइन गुडी को पढ़ी जाउ हमें जे डीप को जाई कि ताको पढ़ूनी जस्ट ऊपर ऊपर हेडिंग गुडा को पढ़ी जाउ सो ताको कहा जे स्किम करबा सो स्किम इट वन्स अगेन आउ थरे जस्ट तमे जो हाइलाइट कर जो पॉइंट्स गुडा ताको चेक करो स्किम इट वन्स अगेन टू रीअश्योर जानिबा पई यू हैव मार्क्ड द नेसेसरी पॉइंट्स जे तुमे सब नेसेसरी पॉइंट गुडी को मार्क करिचो and check whether you have included any unimportant points author check karo jodi tumhe kono si unimportant points ko bhule add kari decho and you can remove that next kon karibo try to understand what the passage is about tapre padhi ki janiya pai chesta karo je passage ji ko bisare deichi next step kono break down the text into small chunks for your better understanding suppose gote long passage tum pai deichi tumhe kon kari paribo taku चंक्स डिवाइड करि परिबो चंक्स माने पीसेस आउट के आगर कहितली सपोज ए भले गुटे लॉन्ग पैसेज देची ताकु तमे तुम अकॉर्डिंगली तीनटा बा चारटी भाग रे डिवाइड करि परिबो जा परे कि तुमरो अंडरस्टैंडिंग बेटर हे परिबो आ तुमको मन रखिवारे मध्ये इजी होबो सो फर्स्ट पैराग्राफ रो तुमे गुटे आईडिया नेलो ताकु गुटे रफ कॉपी रे लिखि परिबो सेकंड पैराग्राफ रो आईडिया नेलो ताकु रफ कॉपी रे लिखि परिबो देन थर्ड पैराग्राफ रो आईडिया नेलो ताकु हमें रफ कॉपी रे लिखि परिबा देन तुम जो ओवरऑल आइडिया तुम समरी हम बट बिफोर दैट चेक इफ यू हैव इंक्लूडेड एनी अननेसेसरी पॉइंट तुम देखी नब जब तुमको ए पॉइंट टी अननेसेसरी लगुच यू कैन रिमूव इट सिंपली तापर तुम जो फाइनल समरी टी रहिला ताकु हेडिंग उपरे देगी फाइनली तुम प्रेजेंट करि परिबो नेक्स्ट कौन अच्छे देखा राइट द समरी विद इन द वर्ड लिमिट इफ गिवेन जदि तुमको एग्जाम रे किछि वर्ड लिमिट दे थाए डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स और डू नॉट एक्सीड 70 वर्ड्स यदि तुमको वर्ड लिमिट दे दिया जाए था, जे 50 वर्ड भितर लिखो बा 70 वर्ड्स भितर लिखो तारे तुम्हें कौन करि परिबो सेतिक वर्ड भितर तुमको लिखिया पई हबो एंड इफ द लिमिट इज नॉट गिवन और यदि लिमिट तुमको दिया जाय नथिबो समरी रो रूल कोनो फर्स्ट ट्राई टू नो द वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन द पैसेज प्रथमे आमे पैसेज रे थिबा वर्ड को जानिया पई चेष्टा करिबा बट बहुत पिला बे भाबुथबे जे मैम आमे यदि पैसेज रे वर्ड गुडी को काउंट करिबा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम हमर एग्जाम सेटिंग सरी जीवो बट पैसेज रे वर्ड केमती काउंट करा जाए गुडे एप्रोक्सीमेट नंबर आमे नबा फॉर एग्जांपल जदि एट हमर पैसेज अछि मु तार फर्स्ट लाइन रे थिबा वर्ड गुडी को काउंट करबी जेंती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो ता भीतर तमे छोटो छोटो वर्ड गुडी को रिमूव करि परिबो लाइक इज ए एन जदि आर्टिकल किछि थाय ताकु रिमूव करि परिबो जदि मु एप्रोक्सीमेट लेलिया रो हमर फर्स्ट लाइन ने 15 टी वर्ड अछि देन अछि ए पैसेज रे केतरी लाइन अछि 1 2 3 लास्ट ही होची छोटा लाइन डी तो हम तक छाड़ी दबा सो
अच्छे आम लॉन्ग लाइन 1, 2, 3 सो ये आम करदे 15 × 3 15 × 3 इक्वाल टू 45 सो आम जाणीगलु जे एतिक आमर दि जाइए टोटल आमर पैसेज रे एतिक वर्ड अच्छी 45 वर्ड अच्छी आम अगेन डिवाइडेड बाय 3 करवा जोटा कि आमर पड़ो 15 जदि तुमको तो मन में किसी भी डाउट थाए डोंट वरी अबाउट दैट आम मैंने गोटे सांपल समरी को डिस्कशन करवा से तुमको समस्त डाउट क्लियर हो जस्ट एति मन रखा जदि तुम पैसेज टी 100 वर्ड्स भितर थाए 100 वर्ड विषय दे थाए तो तुमने डिवाइड 3 करदेव जोटा कि 33 समथिंग पड़ो तो मैंने 35 चेष्टा कर 35 बट जदि न हो अराउंड 40 वर्ड्स भितर लिखा ट्राए कर नॉट मोर देन दैट सो 1/3 लेंथ रे लिखा ट्राए कर समरी को देन आउ कुछ रूल्स अच्छे देखा अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द पैसेज इफ यू मार्क यूजिंग पेंसिल और कैन जस्ट पुट अ लाइन विच वुड नॉट बी प्रोमिनेंटली विजिबल सो एग्जाम रे क्वेश्चन पेपर रे किसी मार्क करने अलाउ करा जाए बट जदि तुमने प्राक्टिस कर जिनसा कर जो स्टेटमेंट गुड़िक तुमको इंपोर्टेंट लगुच तुम्हें पेनसिल मार्क कर जहाद्वारा कि तुम समरी प्रिपेरेशन रे हेल्प हम देन फर्स्ट प्रिपेयर ए ड्राफ्ट देन प्रिपेयर द फाइनल वन इफ यू हैव टाइम जदि तुमने प्राक्टिस करछो अगेन मुझे एक कथा कहबी जे केबे डायरेक्ट समरी को जंप करिवो नहीं इनिशियल स्टेज रे जदि प्राक्टिस तुम करके तुम्हें निज उपर कॉन्फिडेंस अच्छे डायरेक्टली समरी लिखि परिबि देन तुमने डायरेक्ट समरी को जाई परिबो बट जेतेबेले इनिशियली तुमने प्राक्टिस करछो फर्स्ट तुमने ड्राफ्ट कोटे करि परिबो गोटे रफली गोटे समरी को लिखि परिबो देन तुमने फाइनल समरी को प्रिपेयर करि परिबो नेक्स्ट पॉइंट होची नेक्स्ट रूल होची शुड ओनली कवर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज ओरिजिनल पैसेज रो केवल एसेंशियल बा जरूरी पार्ट गुडी को ही कवर करिवो अननेसेसरी पार्ट स्टार्टिंग रूल में होईची अननेसेसरी पार्ट गुडी को हमें रिमूव करिवा देन अवॉइड रिपीटेशन कोनोसी सेंटेंस जेम दुई थर रिपीट न होए से जिनसोटा चेक करिवो डू नॉट यूज ऑर्नामेंटल लैंग्वेज बेसी डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑर्नामेंट माने कोनो अलंकार सो बेसी आलंकारिक शब्द बा बेसी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करिवो नाही द सेंटेंस मस्ट बी शॉर्ट एंड सिंपल जिते सिंपल आउ शॉर्ट रे सेंटेंस को एंड करिया पे ट्राई करिवो जहा द्वारा कि तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर रो चांसेस मध्ये कम रहिवो समरी मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन ऑलवेज ट्राई टू राइट योर समरी इन थर्ड पर्सन नैरेटिव स्टाइल रे सब बेले समरी लिखिवो थर्ड पर्सन कोनो ही शी इट आउ जदि प्लुरल अछि देरे तुम्हें लिखी पारिबो राइट द समरी इन इनडायरेक्ट स्पीच समरी लिखला बेले केबे डायरेक्ट स्पीच यूज करिवो नाही ऑलवेज ट्राई टू यूज इनडायरेक्ट स्पीच एंड डू नॉट गिव योर पर्सनल कमेंट निजरो पर्सनल कमेंट किछि दबो नाही केमति गुडे एग्जांपल आमे देखिबा द राइटर हैज गिवन एम्फसिस ऑन वुमेन एजुकेशन सपोज तुमने गुटे पैसेज पढुछो जोथरे कि राइटर वुमेन एजुकेशन उपरे एम्फसिस देइछन्ती बट यू डोंट लाइक वुमेन टू बी हाईली एजुकेटेड बट तुम मत हूँ डिफरेंट तुम्हें चाहन जो स्त्री लोक मानक हायर एजुकेशन मिलवा उचित बट दिस इज अ रॉन्ग नोशन वुमेन शुड गेट हायर एजुकेशन हियर यू कैन नॉट चेंज द आइडिया नाइदर यू कैन रिप्लेस इट विथ योर्स सो तुमको ये जिनसा हुए तो भल लगुन थे बट तुम्हें निजर व्यू किसी दे पारन आइटर व्यू को ये तुम रिप्लेस कर पार्ब ना सो यहाँ कहवा मानने स्टांजर जहाँ था कहीं डू नॉट पुट योर ओन ओपिनियन निजर ओपिनियन निजर व्यू से देवाई चेस्टा कर पैसेज जहाँ देखिए सिंप्लीफाई कर जस्ट लिख यूज द टेन्स अकॉर्डिंग टू द पाराग्राफ पाराग्राफ रे जो टेन्स दिखाई जब प्रेजेंट रे दिया थो यू शुड राइट योर समरी इन प्रेजेंट टेन्स जब पास्ट दिया थो यू शुड राइट योर समरी इन पास्ट टेन्स देन रिमूव अननेसेसरी एडजेक्टिव्स प्रोनाउन एडवर्ब्स एंड क्लॉजेस जो एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब और क्लॉज तुमको अननेसेसरी लगुच्छी ताकु तुम्हें रिमूव करके मध्य लिखी दे पारिबो एहा किछि बाउंड नहि जे सब गुडी को तुमको इंक्लूड करिया पई हबो इस समय आउ किछि रूल देखिबा एलिमिनेट द वर्ड्स और सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स विथ सिनोनिम्स सिनोनिम्स कोन प्रतिशब्द गोटे वर्ड जदि प्रतिशब्द जानिछ ताकु सिंप्लीफाई करके तुम्हें तार सिनोनिम को दे पारिबो नेक्स्ट होची शुड रिमूव अ फ्रेज और लॉन्ग एक्सप्रेशंस बाय ए सिंगल वर्ड रो यूज केमती करा जाई पारिबो हमें एग्जांपल द्वारा देखिबा द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर अकबर वाज द मोस्ट बेनिवोलेंट काइंड हार्टेड सिंपथेटिक एंड सक्सेसफुल किंग सो इटा गोटे बहुत लंबा लाइन टा या को हमें गोटे सिंगल वर्ड रे केमती रिप्लेस करि परबा नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर सेंटेंस टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वर्ड हमें तर किछि वर्ड को रिप्लेस करबा आ किछि अननेसेसरी एडजेक्टिव को रिमूव करबा सो द ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर
अकबर को ना आसिले ही समस्त जानी जेबे वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर सो एटा उडे एक्स्ट्रा पार्ट दिया छै त माने जानि पड़थबो आ अकबर को विषय रे कोन को लेखाय छै तंको गुण विषय रे ही इज द मोस्ट बेनिवोलेंट काइंड हार्टेड सिंपैथेटिक एंड सक्सेसफुल किंग सो यार आंसर हमें देखिबा ताको सिंगल वर्ड रे हमें केमती रिप्लेस करू छै अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल किंग द सेंटेंस बिकम शॉर्ट सो ए भले बाबरे हमें अकबर कहिला माने ही द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर अकबर को बुझौ छी सो अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल किंग जस्ट बिकॉज़ ही वाज सक्सेसफुल किंग हमें जानिछु जेतु अकबर को विषय रे तांको गुण विषय रे आउछि लिखिबा एठी आवश्यक नाही आउट एग्जांपल देखिबा द ओल्ड मैन सर्वाइव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स सो से बुढा लोक जणक सर्वाइव्ड माने बंचिले केते वर्ष बंचिले 100 इयर्स सो वी कैन रिप्लेस दिस फ्रेज 100 इयर्स विथ अ सिंगल वर्ड सेंचुरी तो माने जानिछु 100 इयर्स को सेंचुरी बोली मध्ये कहा जाय आ सर्वाइव रो सिनोनिम आमे देई परबा lived so the old man lived for a century so it is synonym ro use kara gala and it is single word ro use kara gala out example dekhiwa ame the person who was taking photograph entered the conference hall so ei phrase ta ko ame replace kariba kete long phrase achi dekh parthu to mane the photographer came into the meeting hall entered ro synonym ame delu came au ei jo phrase ti thila the person who was taking photograph ya ko ame replace kar delu the photographer एंड कॉन्फ्रेंस हॉल को हमें मीटिंग हॉल मध्यो लेखि परबा आउ कॉन्फ्रेंस हॉल को हमें मीटिंग हॉल बोली लेखि परबा एंड लास्टली एंड वेरी इंपोर्टेंटली चेक फॉर ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स ग्रामर आउ स्पेलिंग जेंति मिस्टेक तो मानकर न रहे से जिंसटा टिके चेक करिवो एंड टू रिड्यूस इट मु तो मानको ऑलरेडी गुडे जिंस कहि सची टू राइट स्मॉल सेंटेंसेस जा द्वारा कि तुम्हारा ग्रामेटिकल आउ स्पेलिंग एरर्स कम हे परबो सो मु आशा करछि तुम्हारे रूल्स आउ रेगुलेशन सब बुझि हेतिबो एबे आमे गुटे सैंपल क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा सो प्रथमे मु तमानको ए क्वेश्चन टी बुझेबी तापरे यार समरी केमती लेखा जाय ताको कहिबी नॉलेज इज सेड टू बी पावर तो माने जानिचो नॉलेज को शक्ति बोली माना जाय एंड द चीफ सोर्स ऑफ दिस नॉलेज इज बुक आउ नॉलेज रो बा ज्ञान रो मुख्य सोर्स कोन बुक्स वी कैन गेट एनॉर्मस नॉलेज फ्रॉम बुक्स दैट इज व्हाई बुक्स आर सो इंपोर्टेंट टू पीपल जेहेतु लोक मैंने बही रु ही बहुत ज्ञान पाई से लोक मान बही बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे बट देयर नंबर इज सो ग्रेट दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू रीड देम ऑल बट दुनिया रे एत्ते बही अच्छी बही नंबर एत्ते अधिका जे गोटे लोक जीवन काल मध्य समस्त बही पढ़ सारा पॉसिबल नुहे हेन्स अराइजेस द नीड फॉर चॉइस हेन्स अराइजेस द नीड फॉर चॉइस एठी आसुची आमर बही को बाछिबार आवश्यकता को बही को भले लोक पढ़ा उचित बुक्स मे बी रफली डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस बही गुड़ी को हमें मेनली तीन भाग में डिवाइड कर परबा गोटे होची गुड बुक्स गोटे होची बैड बुक्स आ गोटे होची इनडिफरेंट बुक्स गुड बुक्स आर दोज दैट गिव अस प्योर डिलाइट एंड एनेबल आवर माइंड एंड सोल भल बही गुड़ी को हमको प्योर डिलाइट देता है मैंने अत्यंत खुशी देता है आमर नॉलेज को बढ़े थाए पे एनेबल अर्थ हूँ महत्व बढ़ेगा कहार महत्व बढ़ी था आवर माइंड आम माइंड रो सोल माने आत्मा रो सच आर द रिलीजियस मास्टरपीसेस किछि रिलीजियस मास्टरपीस कथा को आउ जे जोडा कि बहुत फेमस बुक लाइफ्स ऑफ ग्रेट मेन जोडा कि बहुत महान लोकों को जीवनी विषय रे थाए क्लासिक्स एंड वर्क्स ऑफ मेन लाइक कालिदास शेक्सपियर विवेकानंद रवींद्रनाथ टैगोर एटसेट्रा सो किछि महान लोकों को बही आमे पढ़ी परिबा बाकी महान राइटर्स को बही हमें पढ़ी परिवा सेमान को बही हमें पढ़ी परिवा सच एज कालिदास शेक्सपियर विवेकानंद रवींद्रनाथ टैगोर एमान को बही पढ़िले आमर नॉलेज बहुत अधिका हबो एंड विल गेट प्योर डिलाइट हमको बहुत खुशी मध्ये मिलिबो गुड बुक्स गुड आर आल्सो द बुक्स दैट गिव अस यूजफुल नॉलेज अबाउट आवर प्रोफेशनल ड्यूटी गुड बुक्स आउ कोन करथाय हमर प्रोफेशनल ड्यूटी विषय रे हमको अवेयर करैथाय बैड बुक्स आर दोज दैट डील ओनली विथ द डार्क साइड ऑफ थिंग्स आउ खराब बही कौन जोड़ा कि डार्क साइड और नेगेटिव थिंग्स संगे डील करता है देयर ऑथर आर्ग्यू दैट अनलेस वी नो व्हाट द इविल्स आर हाउ दे वर्क इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ देम आउ जो मैंने बैड बुक्स लिखती से ऑथर्स मैंने कौन आर्ग्यू करती जिते जाए आम खराब कौन जान ना आम भल को भी चिन्ह पार ना But they ignore the fact that by familiarizing young people with evils is the most in the most impressionable period of their life, they corrupt their minds and poison their souls. But samare ei jinsa ti bhuli janti
जे आमे यंग पीपल मानको युवापीढ़ी मानको एक खराब बही देखी कहाँ सांगे फैमिलियर करौछु बा सुपरिचित करौछु गोटे नेगेटिव जिनस सांगे सुपरिचित करौछु जोटा कि तांको माइंड आउ तांको माइंड को करप्ट करिवो नेगेटिव इम्पैक्ट पकेबो तांको माइंड उपरे खराब प्रभाव पकेबो एंड पॉइजन देयर सोल्स आउ तांको आत्मा को तांको बॉडी को विषाक्त कर देबो दिस इज नॉट अबाउट गिविंग पॉइजन टू समवन जर बहुत खराब इम्पैक्ट देखा जिवो सच बुक शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड केयरफुली तेणु यही बही गुड़ी को आम बहुत जत्न सहकारे एवॉइड करवा उचित देन आसला इंडिफरेंट बुक्स फॉल बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आउ इंडिफरेंट बुक जदि गुड बुक्स आमर एटी अच्छी बैड बुक्स जदि एटी अच्छी इंडिफरेंट बुक्स आसीबो तार मझीरे दे नीदर एलिवेट नॉट डिग्रेड ना ही सेमाने लोकमानको ज्ञान को बढ़ी थांती ना सेमानको ज्ञान को डिग्रेड करी थांती बा कमे थांती बीइंग रेड ओनली फॉर रिक्रिएशन एंड और एंटरटेनमेंट और टू पास टाइम केवल मनोरंजन लोक मैंने पढ़ी था समय पास करने समय अतिवाहित करने लोक मैंने इंडिफरेंट बुक्स को पढ़ी था बुक्स एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन रीडर्स माइंड दे फॉर्म हिज टेस्ट एंड आइडियाज एंड दस गाइड हिज एक्शन सो लोक मैंने बही जहाँ भी पढ़ती माइंड में बहुत गभर प्रभाव पकई थाए दे फॉर्म हिज टेस्ट से निजर टेस्ट और आइडिया को बनई था मानते कौ भाया लोक से फ्यूचर हे ताहा डिसाइड करि थाए गुडे बही एंड दस गाइड इज एक्शन आउ एई सब जिनसडा तांको काम रे मध्ये देखा जाए जो भलिया बही जने पढुची सेही भलिया ता काम भी हबो सो ग्रेट केयर हैज टू बी टेकन इन द चॉइसेस ऑफ बुक्स तेनु बही आमे जेतेबे बाछुचे आमको बहुत जत्नर सहित बही गोटे बाछिबा उचित सो एई तीनोटी बुक्स कथा कुआ गला एबे आमे देखिबा यार आंसर समरी केमती लेखा जाई परिबो सो एते बडो पैसेज रो समय तो माने भावु तो बहुत बड़ हेतिबो नो मु तमन को कोन कहितली 1/3 रे लिखिया पई सो यू कैन काउंट लाइक दिस ऊपर सेंटेंस रो वर्ड्स तुम्हें काउंट करिवो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए भला करी काउंट करिवो देन तुम्हें तळ आड़ को काउंट करिवो देन इनटू करकी तारो एप्रोक्सीमेट नंबर गुटे नेकी 1/3 करकी ता भितरे पैसेज टी लिखिवो सो एबे देखिवा आंसर यारो Knowledge is power and books are the cheap source of knowledge. Due to large numbers of book, one has to make choices. There are three categories of books, namely good, bad and indifferent. Good books are classical works that give us useful knowledge and pure delight. Bad books deal with dark and evil aspects of life, which should be avoided. The indifferent books can be read for recreation or to pass time. One must take great care in choosing a book as it influences our mind. So knowledge is power. ज्ञान होची शक्ति and books are the chief source of knowledge. अब ज्ञान रो मुख्य भंडार कोनो books बही. Due to large numbers of books जेहेतु आम दुनिया रे बहुत संख्या को बही अछि one has to make choices. तेनु गोटे लोको को सटीक चॉइस करबा आवश्यक. There are three categories of books namely good, bad and indifferent. So mainly आमे बही को तीनि भाग रे डिवाइड करि परबा गोटे होची good books भलो बही खराब बही आउ indifferent book. गुड बुक्स आर क्लासिकल वर्क्स भले बही आम क्या कह क्लासिकल वर्क जोड़ा कि दैट गिव यूजफुल नॉलेज एंड प्योर डिलाइट जोड़ा कि आमको यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करे आवश्यक ज्ञान आमको प्रोवाइड कर थाए एंड प्योर डिलाइट जहाँकि आमको बहुत आनंद मध्यए बैड बुक्स डील विथ डार्क एंड इविल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आउ खराब बही गुड़िक कौन करें नेगेटिव आउ खराब शक्ति सांगे डील करें विच शुड बी अवॉइड जहाँ को आम अवॉइड करवा उचित द इंडिफरेंट बुक्स can be read for recreation or to pass time. Our indifferent book ko khali time pass ba manoranjan purpose re padhiba uchit. One must take great care in choosing a book as it influences our mind. A gote loko ko bahut jatnara sahita bahut care sahita bahi gote bachiba darkar because gote bahi ama mind upre bahut gabhira prabhav pakai thae. So this was the summary. Finally we have come to the end of this video but before ending this video I want to give you that secret tip जहाद्वारा कि तुमने टाइटल को इजिली काढ़ी पारिबो सो इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द हेडिंग और द टाइटल ऑफ द पैसेज इन मोस्ट केसेस वी फाइंड द टाइटल इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज सो कौन करिबो जेतेबे टाइटल तुम्हें देखिया पई जिवो प्रथमे तुम्हारे ओपनिंग सेंटेंस रे टाइटल टी खोजिबो If you cannot find it there, jodi tumane title city pauno, then check the last sentence. Then go to the last sentence of the passage. In 80% cases, the title is found in the opening sentences or in the last sentence of the passage.
80% केसेस रे तुम्हारा टाइटल तुमको आइदर फर्स्ट सेंटेंस रे मिल जिबो और लास्ट सेंटेंस रे मिल जिबो बट इन केस इफ यू कैन नॉट फाइंड इट बट यदि अनफॉर्चुनेटली तुमको फर्स्ट सेंटेंस बा लास्ट सेंटेंस रे तुम्हारा टाइटल न मिले देन थिंक ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज रिपीटेडली यूज पैसेज रे जो वर्ड टी रिपीटेडली बा बारंबार यूज करा जाय छी सेही वर्ड विषय चिंता करो यूज इट एज योर टाइटल आउ सेही वर्ड को ही तुम्हारा टाइटल हिसाब रे बाचो Example, if the word science has repeatedly been used, you can take it as your title as on science. जोधी गुटे paragraph तुम्हें पढ़ो चो, अब उसे ही paragraph भीतरे science ऊपरे बहुत जिनसो को आई ची. So simply तुम्हें लिखी पारी वो on science. आउ केम दिल लिखी पारी वो? जोधी गुटे civilization ऊपरे गुटे passage दिया आई ची on civilization लिखी पारी वो. Examination ऊपरे जोधी गुटे passage दिया आई ची on examination लिखी पारी वो. Women education ऊपरे जोधी गुटे passage दिया आई ची. जोधी तुम्हाने किसी टाइटल न पाओ सिंपली रखी पार ऑन वुमेन एजुकेशन बट डू इट इन योर ओस्ट केस जदि तुमको अनफॉर्चुनेटली कौन से सुइटेबल टाइटल मिलूनी देन सिंपली तुम रिपीटेड वर्ड संगे ऑन यूज करके तार टाइटल लिखी पार एठी यार एग्जांपल तुमने देखी पार नॉलेज इज सेड टू बी पावर एंड द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज इज बुक्स सो ए प्रथम लाइन ने ही हमको आम टाइटल मिल जाता मुसमरी रे लिखी छी नॉलेज इज पावर बट जदी तमन को मिल न थांता एटी बुक्स विषय रे कहाय छी सेईटा को नेकी मध्य बा नॉलेज विषय रे कहाय छी से ताकु नेकी मध्य त माने तुमरो टाइटल बाची पड़त माने आउ किछ सुइटेबल टाइटल यार सजेस्ट करिया पई चाहौ छ यू कैन कमेंट डाउन बिलो सो दिस मच इट फॉर टुडेस वीडियो एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल Do like, comment, share and also subscribe to this channel if you haven't yet. Keep watching Literature Library and thanks for watching this video.